इनको थोड़ा करने दो मित्रों। मैं सबसे पहले यूपी शासन की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश जी को धन्यवाद देता हूं। आज उनकी नेतृत्व में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार की शिक्षा संबंधित जो विभाग उत्तर प्रदेश में काम करती है, ऐसे सारे 5 विभागों की समीक्षा हम लोगों ने मिलकर किया। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें उपस्थित थे। बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ऐसे 5 विभाग की आदरणीय मंत्री, आदरणीय अधिकारी मित्रगण, हम मिलके आज की मौजूदा स्थिति देश में लगभग 1 साल पहले, 1 साल से ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। NEP 2020 अभी देश में क्रियान्वयन हो रहा है। मेरे लिए भारत सरकार की ओर से सबसे प्रसन्नता की बात है, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। ये रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है। मैं कई विषय समझने का कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 15-18% विद्यार्थी, देश भर की विद्यार्थियों में से उत्तर प्रदेश में 15-18% विद्यार्थी, थोड़ा 1-2 भर्ती काल की थोड़ा और नंबर आना बाकी था, ऐसे उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट नंबर है, छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है, 5 करोड़ स्टूडेंट है। विश्व में कई देशों को मिलाए तो उतने नागरिक होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जितना विद्यार्थी है। और मैं भारत सरकार में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं। मेरा एक, जब भी मैं उत्तर प्रदेश आने का मेरे को मौका मिलता है, वो धारणा मेरा और मजबूत होता है। देश में गुड गवर्नेंस, सुशासन स्थापित होना है तो उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा तो जाके देश में सुशासन स्थापित हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में हम कुछ सही इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, अच्छा मॉडल ले आ पाएंगे, तब जाके देश में उसको स्केल करना, रेप्लिकेट करना सहज होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यूपी की शिक्षा विभाग के बारे में अनेक गुणात्मक इम्प्रूवमेंट इन दिनों में हुई है। ड्रॉपआउट्स की संख्या में कटौती आई है, रिडक्शन हुई है। शिक्षा को एकेडमिक्स के साथ साथ स्किल के साथ सिनर्जी करना, जोड़ के आगे बढ़ाने की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक स्पेशल
इनिशिएटिव मैंने मेरे समीक्षा में समझा, देश की स्किल इंडिया की जो अपेक्षा है उसी के साथ वो खुद को जोड़ रहे हैं। उसके कारण सीधा सीधा हमारी नौजवानों की एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूवमेंट होने की ये रणनीति है। उत्तर प्रदेश शासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक विषय मेरे को जो अच्छा लगा, सेकेंडरी हो या कॉलेज एजुकेशन हो, गर्ल स्टूडेंट्स के अंदर एनसीसी को महत्व देना, ये भी एक शायद एक स्टेट एनसीसी को इतना, ऐसे ही एनसीसी शुरू ही हुई, सैनिक स्कूल शुरू ही हुई थी उत्तर प्रदेश की लखनऊ से। और एक विषय जो उत्तर प्रदेश ने अच्छा किया है, सेकेंडरी एजुकेशन में किताब को सहज और सुलभ दर पे विद्यार्थियों को मिले, इसीलिए एनसीईआरटी के साथ अनुबंधित होके यूपी शासन और एनसीईआरटी दोनों मिलके काफी मात्रा में सस्ते दर में गुणात्मक किताब और यूपी की कैरिकुलम को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की कैरिकुलम को यहाँ लागू करना, हर एक राज्य की प्रायोरिटी और चरित्र अलग होते हैं, यूपी की कैरिकुलम को एनसीईआरटी के साथ मिलके यूपी की विद्यार्थियों के लिए सहज और सुलभ दर पे उपलब्ध कराना, मैं मानता हूँ देश की स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट कदम है, जिसको हमारे योगी जी की सरकार ने और दिनेश जी की नेतृत्व में उसको करवाया गया है। अनेक फीचर शायद यूपी शासन की, और एक अच्छी फीचर मैं मानता हूँ कोरोना के समय में उसकी और महत्व बढ़ती है, भारत सरकार के सामने कोई विषय रखता है तो उसमें हमारे पास कोई उसकी उत्तर नहीं रहती है, क्योंकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है और राज्यों की विशेष अधिकार भी उसमें रहती है। स्कूल की फीस के बारे में शायद उत्तर प्रदेश एक प्रमुख राज्य है जिन्होंने पहला फी रेगुलेशन लिखा, पहला जिन्होंने फी रेगुलेशन एक्ट बनाया, जिसके कारण मध्यवर्गीय लोगों को गुणात्मक शिक्षा सुलभ दर पे बच्चों को मिल पाए, ये एक प्रोग्रेसिव कदम मैं मानता हूँ, जिसको हमारी जुडिशियरी ने भी अप्रिशिएट किया है, उसको मॉडल बनाने के लिए अन्य जगह को कहा है। उत्तर प्रदेश की और एक अच्छी फीचर है मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं भी मित्रों नया व्यक्ति हूँ शिक्षा वर्टिकल में, देश और राज्यों की अंदर जब मैं शिक्षा की समीक्षा करता हूँ, अनेक अच्छे मॉडल विभिन्न राज्यों में दिखने को मिलता है, लेकिन मैं आज समीक्षा में जो यूपी की जो कुछ अच्छे फीचर हमारी समझ और सीख बढ़ी, उसमें उस इलाका की अच्छे विद्यार्थी के नाम पे गौरव पथ निर्माण करना, ये भी देश की अन्य राज्यों को विशेष करके 21वीं सदी में नई पीढ़ी की ग्रामीण और छोटे इलाका के विद्यार्थियों को एक प्रोत्साहित करने वाला फीचर है। मैं इस प्रकार की अनेक अच्छा विषयों को मैंने आज यूपी की समीक्षा में यूपी की समीक्षा में मैंने पाया। कुछ यूपी की अधिकारी मित्रों ने और भारत सरकार के हमारे अधिकारी मित्रों ने दोनों की ओर से जो कुछ प्रशासनिक सहूलियत और बढ़े उसके बारे में भी आपस में चर्चा हुई है। मैं आने वाले दिनों में स्वयं ऐसे विषय को यूपी के अधिकारियों को दिल्ली बुला के प्रत्यक्ष खुद उपस्थित रह के उसकी समाधान की रास्ता निश्चित रूप में अग्राधिकार रूप में मैं करूँगा। और मैं फिर इतना ही कहूँगा कि यूपी देश के अंदर ना केवल एक संख्या के आधार पे एक नंबर है, गुणात्मक दृष्टि से भी
यूपी कई मामले में देश के लिए अभी भी बेंचमार्क है। पिछले 4.5 साल की योगी जी की सरकार उसकी हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना किए हैं, योगी जी उसको यूपी में क्रियान्वयन कर रहे हैं। शिक्षा उसमें से ये सारे प्रयोगों की आत्मा है। हम मिलके यूपी की नई पीढ़ी को तैयार करने में हम लोग भरपूर और प्रयास करेंगे। आज की समीक्षा की यही एक दो विषय आपके माध्यम से मैं यूपी की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए मैं जितना उत्तर दे पाऊँ उतना ही पूछिए ना। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तो आपने इन स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डीएलएड कोर्स शुरू किए थे, उसके अच्छे परिणाम सामने आए थे, लेकिन अभी भी बहुत से शिक्षक डीएलएड उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं जो सालों से वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अगर ये दोबारा शुरू हो जाए यूपी में तो बहुत से टीचर्स और लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे ये 3 सवाल है एक एक लाइन के। देखिए आपने जो पहले साइंस की एनसीईआरटी की टॉपिक और कोर्स थोड़ा शॉर्ट है, ये निश्चित रूप में यूपी में समस्या नहीं इसकी। यूपी मंत्री जी कह रही है हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया, यूपी में कोई समस्या नहीं शॉर्ट की, हमने उसको रिफेम किया है। दूसरा विषय भी एक है, कैरिकुलम सदैव विशेष करके मैं साइंस की मानता हूँ, जिस ढंग से इनोवेशन हो रहा है, ये डिसरप्टिव आइडिया आने आ रहा है, उसमें साइंस सदैव एक प्रोग्रेसिव विषय रहेगा, उसको निरंतर बदलते रहेंगे, समाज की जो अपेक्षा रहेगी उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी और यूपी शासन उसमें से योग्यों की ढंग से कर लेंगे, मेरा विश्वास है। बाकी आपने संस्कृत बोर्ड और एनआईओएस की केंद्र के बारे में कहा है, उसको मैं तुरंत बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव नया विषय है। मैं उसको समझ के अगर ऐसे कुछ दिक्कत हुआ होगा, संस्कृत विद्यालयों की विद्यार्थियों को एनआईओएस की फ्रेमवर्क में परीक्षा जैसे सहज से दे पाए उसकी व्यवस्था कर लिया जाएगा। एनआईओएस की वो मैंडेट है, क्या दिक्कत है हम उसको देख लेंगे। टीचर्स के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत जोर दिया गया है। इन दिनों में जो डायलेट के बारे में आप कह रहे हो, कोर्ट की कुछ ऑर्डर आई थी उस हिसाब से उसको लागू किया जा रहा था, और आने वाले दिनों में टीचिंग फैकल्टी को और मर्यादाजनक बनाने के लिए उसको और महत्व और मान्यता दिया जाएगा। मंत्री जी एक सवाल है, हालांकि की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कितने प्रदेशों में लागू कर दी है? दूसरा ये क्या केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी शाखा खोलने का प्लान तैयार कर रहा है? देखिए मेरा जो जानकारी है, एक आधा कोई प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं माना ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम इस ढांचा पे इस शब्द पे लागू नहीं करेंगे, शायद एक आधा कोई राज्य बचा होगा। शायद आजादी के बाद मैं मानता हूँ डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी को प्रधानमंत्री जी ने काम दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए, जिस प्रोसेस से उन्होंने बनाई है, संविधान सभा में जैसे एक व्यापक विमर्श होके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, वैसे ही डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने व्यापक तौर से एक विमर्श करके मसौदा बनाया, सरकार ने उसको स्वीकृति दी।
मैं मानता हूँ आज देश में सर्वसम्मत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। एक आधा कोई छूट गया तो छूट गया, उनको मैं शायद उनको और राज्यों को शायद हमारी राष्ट्रीय शब्द ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उनको कुछ विषय तो लगा ही रहे, लेकिन गहराई से देखें कुछ एक दो चीज तो लगा ही रहे, लेकिन सब कोई राजनीतिक भेदभाव के अलावा लोगों ने उसको स्वीकार किया है। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है। केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, भारतीय मूल के कोई निजी बैंक, मान लो हमारे MIT यूनिवर्सिटी विदेश में खुला ही है, आगे चल के ये और प्रभावी तरीके से खुले, हमारी IITs के प्रति विश्व भर में आकर्षण है, हमारे BHU जैसे संस्था विदेश जाए ऐसे मान्यता भी है, आग्रह भी है, हमारी IIMs बाहर जाएं ये भी आग्रह है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको मौका देता है, आने वाले दिनों में उसकी भी कई देशों से हमारी चर्चा हो रही है, वो आग्रह दिखा रहे हैं, हम अभी उसके बारे में योजना बना रहे हैं। जी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि देश में पहली बार दिल्ली की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्कूलों में पढ़ाने का आदेश दिया है, संजय जी को भी बधाई। मंत्री जी एक सवाल है, आज भी जो डिग्री कॉलेज में संविदा प्राध्यापक रखे गए हैं उनकी सैलरी 9 से 10 हजार से उनका एग्रीमेंट हुआ, क्या आपके पास नई शिक्षा नीति में उनके लिए कुछ प्लान है, क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी या 9-10 हजार इन्हीं के बीच में उनकी एग्रीमेंट होता है? आपके बगल में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी भी बैठे हैं, तो क्या है सरकार का इस पे रुख? इसमें दिनेश जी थोड़ा व्यापक तरीके से कह सकते, लेकिन मैं आज की जो मेरा पिछले कुछ घंटों की समीक्षा में UP शासन ने लगभग 2.5-3 लाख नई शिक्षक विभिन्न स्तर पे बेसिक से लेके उच्च शिक्षा तक नियुक्ति किया है। शायद कोई राज्य होगा इतने बड़े पैमाने पे खाली पदों को भर्ती किया होगा। कुछ विषयों की जिस ढंग से हम लोग सर्व शिक्षा अभियान से अभी समग्र शिक्षा अभियान तक पहुंचे हैं, कुछ पैसे भी विषय होगा तो राज्य के माननीय मंत्री उसको कह सकते हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में जो मैंने जानकारी मेरे को दिया गया ये बहुत उत्साहजनक है। सर, जो आपने शिक्षक भर्ती की बात की, समीक्षा में ये भी आया होगा अभी कितने पद खाली है, उसको लेकर कोई चर्चा की अभी हाल फिलहाल में भरने पर? सभी विज्ञापित किए जा रहे हैं जो खाली पद हैं, हम लोगों ने एक अभियान चला के विज्ञापित किया। प्रधान जी, आप एक मंत्री होने के नाते प्रदेश के प्रभारी भी हो गए हैं, चुनाव आ गया है, तो उत्तर प्रदेश के लिए डॉक्टर साहब तो माध्यमिक शिक्षा के लिए लगे हुए हैं, पूरी शिक्षा के लिए आप कोई विशेष घोषणा इस प्रदेश के लिए, कुछ विशेष पैकेज? तो प्रधानमंत्री जी की प्रदेश है, बहुत सारी योजना हो ही रहा है और आगे भी होते रहेगा। प्रधान जी, आज आपने यहाँ समीक्षा की, आपको क्या लगता है कि यूपी अभी कहाँ पे खड़ा है और यहाँ की कौन सी ऐसी एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसे आप चाहेंगे कि हर जगह वो लागू? मैंने कुछ विषय कहा, देखो आज हमारी बच्चियां खूब बढ़ रहे हैं, बालिका शिक्षा गर्ल्स एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत बड़ा प्रायोरिटी की विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बन चुकी है, इसलिए भारत सरकार बालिकाओं के लिए जो एक विशेष इनिशिएटिव कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इसको पहले 8th क्लास तक होती थी, इसको अभी 9th, 10th, 11th, 12th तक बढ़ाया है। मेरे को अच्छा लगा आज उत्तर प्रदेश उसमें अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि NCC गर्ल स्टूडेंट्स को पिछले कुछ समय की, जैसे मैंने कहा हायर एजुकेशन में ऑर्गेनाइज तरीके से स्किल को जोड़ना जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, ये एक NEP की रिकमेंडेशन है, यूपी ने उसको लागू करना शुरू किया है, ऐसे कुछ चीज यूपी ने अच्छा मॉडल किया। सर, आपने फीस रेगुलेशन एक्ट की बात की, तो क्या सर इस समीक्षा बैठक में ये भी
चर्चा का विषय रहा कि उत्तर प्रदेश के कितने निजी विद्यालयों के खिलाफ शिकायतें आई और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये जिला स्तर की कमेटियाँ बनी हैं, जिला स्तर पे जो आता है डीएम के अंतर्गत एक कमेटी है और उसके ऊपर अगर उसमें कोई असंतोष होता है तो कमिश्नर के अंडर में एक कमेटी होती है, उसकी सुनवाई करके वहीं पर निस्तारित कर देते हैं। धर्मेंद्र जी, लखीमपुर में एक बड़ी घटना हुई, 8 लोगों की जान गई है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र से पूछताछ हो रही है, आपको लगता है नैतिकता के आधार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए? मैं हूँ, कल तक हूँ, बात करूंगा इस विषय। सर, चुनाव प्रभारी भी उस विषय को यहाँ मत उठाइए, आप भी सब मैच्योर लोग हो, ये सब सरकारी कामकाज करें। मंत्री जी, एक सवाल है, मध्य प्रदेश की शिक्षा में राम सेतु को रखा गया है, इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए रिसर्च के लिए पढ़ाया जा रहा है, दुनिया के कई देशों में रामायण गीता पर भी चाणक्य पर भी सिलेबस वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश इससे दूर क्यों है जबकि सब कुछ यूपी से है? पहले से है, बोलो क्या कहेंगे? ये हमारे वहाँ पहले से ही है, अगर आपको ध्यान हो, और हमारे वहाँ तो संस्कृत का अध्ययन भी अब हमने लोग विश्वविद्यालय में कर दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों में होगा, ये पहले से हमने लागू कर दिया है। चलिए मित्रों, थैंक यू। हमारी तो आपके सौदान सिंह जी की शादी में मुलाकात हुई थी, कहाँ विधि साहब वहाँ गया था शादी मन के बेटा के भतीजे, हाँ जो मैं वही कहते भानु प्रताप की जो बेटी जो दोनों एम्स में है।